तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 एक्सरसाइज 6.3 क्राइटेरिया क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्रायंगल। अभी तक क्या पढ़ा है याद दिला दूं आपको, 6.2 तक केवल थेल्स थ्योरम्स के जो भी क्वेश्चन है उसको हमने किया है। अब अभी तक हमने ये पढ़ा है सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं जिनमें सेम शेप होती है, लेकिन अब हमको ये पता है यार कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं, कौन गुरुवेंट तो हो ही नहीं सकते, पक्की बात है ना। तो अब ये चेक करेंगे, ऐसा नहीं है कि सारे ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो अब चेक करेंगे कि कौन से ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि कौन गुरुवेंसी की अगर हम लोग बात करें तो पांच तरीके से हम लोग चेक करते थे कि कोई भी दो ट्रायंगल कौन गुरुवेंट है, SSS, SAS, एंगल साइड एंगल या एंगल एंगल साइड, ये एक ही चीज़ होती है, और RHS। ये पांच तरीके से हम किसी भी दो ट्रायंगल को चेक करते थे। ऐसा नहीं है कि SAS को कभी ऐसा मत सोचना कि SSA लिख दें या ASS लिख दें, इसका अलग मीनिंग है, ठीक है। SAS का मतलब क्या, दो साइड के बीच का एंगल। ये और बहुत से बच्चे समझते हैं कि सर SAS लिख दो या SSA लिख दो एक ही बात है, बिल्कुल नहीं। तो केवल पांच तरीके से किन्हीं भी दो ट्रायंगल को हमने चेक किया था कि वो हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पे दो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे चेक करेंगे, सिमिलर चेक करने के चार तरीके होते हैं। एक हमारे पास होता है ट्रिपल ए, डबल ए, एक ही चीज़ होती है, कोई भी अंतर नहीं है इसमें, ट्रिपल एस और SAS। ये चार तरीके हैं कि और कोई सा भी तरीका मत लगा देना, इन चार के अलावा पांचवा तरीका नहीं है कि जिससे हम दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर पाएं। तो अब आपको कुछ बेसिक बातें पहले हम बता देते हैं कि दो ट्रायंगल, अगर मैं आपसे ये पहले से ही कहता हूँ कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल, मान लीजिए मैंने कह दिया PQR, पहले से आपसे मैंने ये, अभी आपको मैं बताऊंगा कि दो ट्रायंगल को कैसे चेक करते हैं वो सिमिलर है। तो ये जो साइन होता है, ये साइन होता है सिमिलैरिटी का। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी का साइन ये होता था। तो आपने देखा होगा कि कॉन्ग्रुएंसी में जो साइड्स होती थी वो इक्वल होती थी, इसमें साइड इक्वल नहीं होती हैं, उनका रेशियो इक्वल होता है, इसलिए इक्वल टू का साइन यहां से हटा दिया गया है, ठीक है, क्योंकि उनके रेशियोज इक्वल हैं। तो अगर ये दो ट्रायंगल आपको गिवन है कि आपसे ये कह दिया गया कि ये दो ट्रायंगल भाई सिमिलर हैं, तो आप समझ जाओ कि आपको क्या क्या गिवन है, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल्स होंगे, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर, ये दिया गया होगा। और क्या दिया गया होगा, इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, ए बी के करस्पॉन्डिंग पी क्यू और बी सी के करस्पॉन्डिंग क्यू आर और ए सी के करस्पॉन्डिंग पी आर, इनका जो भी रेशियो आएगा वो कॉन्स्टेंट आएगा, और ये जो कॉन्स्टेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, हमारा जो कौन सा होगा, वन से छोटा होगा, के की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वन से छोटी होगी। मतलब इनके साइड्स का अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा वन से छोटा है, ऐसा ये लोग कहते हैं, ऐसा आप इस तरीके साइड्स हम लोग लेते हैं। तो ये छह चीज़ें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 चीज़ें गिवन हैं आपको, अगर किसी ने ये कह दिया कि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर। और मैंने बताया भी था आपको 6.2 में कि कैसे उन्होंने चेक किया। जल्दी से एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि उन्होंने एक एक्टिविटी की थी, वो एक्टिविटी ये की थी, कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने। क्या किया कि मान ली इधर से ये बल्ब जल रहा है और इधर ये पेपर है, उस पेपर में से क्या किया, एक उन्होंने ट्रायंगल को कट कर दिया इस तरीके से। मान ली ये पेपर है, ये लाइट लगी, यहाँ से ट्रायंगल कट कर दिया तो नीचे भी ट्रायंगल बनेगा, पक्की बात है। और लाइट को अगर आप जितना ज़्यादा ऊपर नीचे करेंगे ट्रायंगल का साइज भी कम ज़्यादा होगा। तो उन्होंने लाइट को ऊपर नीचे किया और कई सारे ट्रायंगल बने, उन ट्रायंगल में एक चीज़ सिमिलर मिली कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मिले और साइड्स के रेशियो इक्वल मिले। तो उन्होंने कई सारे एक्टिविटी करके बताया कि दो ट्रायंगल सिमिलर तब हो सकते हैं जब उनके ये चीज़ें बराबर होती हैं, क्लियर है। तो अगर कभी आपसे किसी ने ये कह दिया कि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो इसका मतलब ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। और कभी आपसे बोला जाए कि दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दो, दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दो आप, तो ये छह चीज़ें अगर आपने दिखा दी तो समझ लो वो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। इसको दिखा दिया तो काम नहीं चलेगा, दोनों को आपको दिखाना पड़ेगा, क्लियर है। अच्छा, लेकिन अभी अभी मैं बता रहा हूँ कि आपको ये छह चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, बट अभी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें छह से केवल तीन ही रह जाएंगी। फिलहाल अभी आपको हम यही बता रहे हैं, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने तो ये सब कुछ बराबर आपको दिखाना पड़ेगा। चलिए, अच्छा अब देखिए ये चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि यार ये चैनल इसलिए है ही नहीं कि आप नंबर के लिए पढ़ें, ये जो चार चीज़ें हैं
इन चार चीज़ों का प्रूफ कभी भी एग्ज़ाम में नहीं आया है। लेकिन अगर आपने इसका प्रूफ कर लिया, विस कॉलिंग, तो अब जो चारों इसके मेथड हैं किस तरीके से दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाते हैं। देखिए अभी मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, एग्जाम में बिल्कुल नहीं आते हैं ये, क्या प्रूफ करो बस। एग्जाम इतना आएगा कि आप लिख दो बाई ए ए ए बाई डबल ए या एस ए एस या एस एस एस, ये नहीं पूछेगा क्यों है ये, बट आपको पढ़ना है और मैं पढ़ाऊँगा, अपना जो काम है वो मैं कर रहा हूँ, आपको लगे तो देखिए क्योंकि नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। ए ए ए सिमिलैरिटी क्या है इसका मीनिंग, इसका मीनिंग ये है अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो वो दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। इसको मैं अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा। पहले तो आप ये जान लो कि यार ये होता है, अगर तीन एंगल आपस में इक्वल हैं दो ट्रायंगल के, तो वो आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब देखो मैं यहाँ पर दो ट्रायंगल लेकर आपको दिखाता हूँ, एक ट्रायंगल ये रहा ए बी सी और एक ट्रायंगल ये ले लिया मैंने पी क्यू आर, एक ट्रायंगल मैंने ये ले लिया पी क्यू आर। चलिए अब देखिए गिवन क्या है हमको, गिवन है यार हमको एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो हमको प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, हमको ये प्रूफ करना है। अब एक बात सुनिए जरा, ये प्रूफ करना है या अगर आपके अंदर थोड़ा भी दिमाग है तो हम ये प्रूफ कर दें, एक ही तो बात है, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए सी अपॉन पी आर। क्यों, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते तो सिक्स कंडीशंस होती हैं, तीन तो गिवन है और तीन ये रही, अगर ये प्रूफ कर देंगे तो इसका मतलब वो ट्रायंगल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपस में सिमिलर हो जाएगा। चलिए अच्छा अब देखते हैं, कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं इसमें। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इस पूरे ट्रायंगल को उठाया और इसके ऊपर रख दिया लाके, सुनो ध्यान से। वैसे बहुत से आपके जैसे बुक में बताया गया कि भाई ए बी को कट करो यहाँ पे टिक लगाओ, ए सी को कट करो यहाँ पे टिक लगाओ, ठीक है जैसा आपको सही लगे, बट हमको ये पता है कि ए और पी आपस में क्या है, इक्वल है, पक्की बात है। तो ये लाइन इस पे ओवरलैप करेगी, ये लाइन इस पे ओवरलैप करेगी, पक्की बात है, एंगल इक्वल है ये आपस में। तो मैं इस ट्रायंगल को इसके ऊपर लाके रख देता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, मान लो ठीक है, इस तरीके से ये ट्रायंगल आ गया, ये वाला, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई भी डाउट होगा, बताओ जरा यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है। तो यार एक बात बताओ जरा मुझे, यही ट्रायंगल मैंने यहाँ पे ला के रख दिया है, ये कंस्ट्रक्ट कर दें जो भी कुछ, तो क्या एंगल बी बराबर एंगल डी नहीं होगा? सुनो यार, जब मैंने इसी ट्रायंगल को, जो एंगल यहाँ पे बनेगा वही एंगल यहाँ पर होगा, पक्की बात है ना, तो क्या एंगल बी बराबर एंगल डी नहीं होगा? और हमको दिया गया कि एंगल बी किसके बराबर है, क्यू के बराबर है, यस और नो? तो क्या डी और क्यू बराबर नहीं हो गए? सुनो, ये एंगल वन है तो ये भी एंगल वन होगा, और ये एंगल इसके बराबर है, हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहा है, तो क्या ये बराबर नहीं हो गए आपस में? हो गए ना, सेम कंडीशन यहाँ पर है। सी किसके इक्वल, सी मान लो टू है तो सी किसके इक्वल है, इसके इक्वल होगा, क्यों, मैंने इसी ट्रायंगल को लाके रख दिया है, और सी मेरा आर के भी इक्वल है तो ये भी टू होगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल है, मतलब करस्पॉन्डेंस है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल, पक्की बात है ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल यहाँ पे नाम लिख देंगे, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल क्यू, समझिए मैं थोड़ा लिखने लिखने पे थोड़ा मैथ्स में कम बिलीव करता हूँ, आपको क्यों लाना चाहिए, डी क्यू के बराबर है ई आर के बराबर है, सो डी ई पैरेलल टू क्यू आर। अब भैया हमने पैरेलल दिखा दिया, तो याद रखो अगर किसी भी ट्रायंगल में एक ये लाइंस के पैरेलल, क्या हम लोग थेल्स थ्योरम बीपीडी थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, ये इसके पैरेलल है। तो एक बात बताइए, पी डी अपॉन डी क्यू, ठीक है, बराबर पी ई अपॉन ई आर। मुझे नहीं लगता यहाँ तो कोई भी डाउट होगा, बताओ जरा कोई डाउट है तो, पी डी अपॉन डी क्यू बराबर पी ई अपॉन ई आर, क्लियर है? अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है पी डी अपॉन पी, क्योंकि सिक्स रूल्स निकल के आए थे ना, पी ई अपॉन पी आर, सिक्स रूल्स आए थे ना निकल के जब मैंने थेल्स को प्रूफ किया था, या फिर ये कैसे आए, इसका उल्टा करना, वन ऐड कर देना, आ जाएगा ये, ठीक है? तो ये पढ़ो अब, क्योंकि थेल्स रूल का प्रूफ पढ़ चुके हैं।
अच्छा ये हमने पढ़ लिया, अब सारे बच्चे ध्यान, हमको हमारा टारगेट क्या है, मुझे इनके रेशियो आपस में इक्वल दिखाने, बात खत्म। तो एक बात, क्या पीडी की जगह, क्या पीडी की जगह ए बी नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, यही तो ट्रायंगल है। तो यहाँ पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे यहाँ पे, पी डी की जगह ए बी अपॉन पी क्यू, ऐसे ही पी ई की जगह ए सी अपॉन पी आर। अब ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखिए, इसका रेशियो इसके साथ हो गया ए बी अपॉन पी क्यू, देखो यार आ गया, ठीक है, ए सी अपॉन पी आर भाई आ गया, दो ही तो आए। लेकिन अब एक बात सुनो, जब मैथ्स में हम किसी चीज़ का बार बार रिपीटेशन करते हैं तो उसके आगे लिख देते हैं सिमिलरली। ये ट्रायंगल मैंने कहा था कि इसके ऊपर ओवरलैप कर दो, क्या इस ट्रायंगल को, क्या इसी ट्रायंगल को हम इस तरीके से भी तो ओवरलैप कर सकते थे, इस बी को यहाँ पे ला के रख दें तो ये इस तरीके से आ जाता, बिल्कुल भैया हम लोग कर सकते थे, या फिर हम लोग ऐसा कर सकते थे इस सी को यहाँ पर करते ये इस तरीके से आ जाता, क्लियर है ना। तो सिमिलरली अगर मैंने ऐसे ला के रखा है तो इन दो साइड का रेशियो बराबर आया, अगर मैं इसको ऐसे रख देता तो क्या होता, हमारा हमारा निकल के भैया आता यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर। सही बात है, अगर आप ऐसे वाला रखते तो इसका रेशियो इसका रेशियो इसके साथ आ जाता, ठीक है। तो एक बात सुनो, ए बी अपॉन पी क्यू इसके बराबर है, ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर के भी इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से वी कैन से वेरी कॉन्फिडेंटली ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। किन्हीं भी दो ट्रायंगल में अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। एनी डाउट? जिस बच्चे को जो भी डाउट है इसमें देखिए, ये हम लोग बहुत अपर लेवल पर जा रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, इनसे आपके काफ़ी लॉजिक क्लियर होंगे। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि किसी भी ट्रायंगल में, दो ट्रायंगल में अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो वो दोनों आपस में सिमिलर होते हैं। अच्छा एक और ये होता है ए ए सिमिलैरिटी, यार ये तो कुछ होती नहीं है। इसका कहने का मतलब क्या होगा कि ये इसमें ये गिवन है ए बराबर है पी के और बी बराबर है क्योंकि, तो यार अंडरस्टूड है कि सी तो इक्वल होगा आर के ना, तो डबल ए लगा दो या ट्रिपल ए लगा दो कोई भी दिक्कत नहीं है। डबल ए का भी प्रूफ यही है और ट्रिपल ए का भी यही है, क्यों, उसमें दिया जाएगा ए बराबर है पी के बी बराबर है क्योंकि, ये नहीं दिया गया होगा बट अंडरस्टूड है। अगर मान लो आपको समझाने के लिए, मान लो ये 70 है ये 60 है, तो ये भी 70 ये भी 60, तो यार ये कितना बचा 50 बचा, तो अंडरस्टूड है कि ये भी 50 ही तो होगा, ठीक है ना। तो दो इक्वल है तो तीसरा तो ऑटोमेटिक, तो डबल ए का कोई प्रूफ नहीं है, वो यही प्रूफ है, ठीक है। अब देखेंगे ट्रिपल एस, इसमें भी क्या है सेम प्रोसेस। अरे एक चीज और बता दूं कि इफ टू ट्रायंगल्स, एक चीज और लिख लीजिए स्टार बना के, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर तो ये पक्की बात है कि वो इक्विएंगुलर होंगे, ये एक नंबर के लिए याद रख लो। इक्विएंगुलर ऐसे ट्रायंगल होते हैं जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं, जैसे इक्विएंगुलर देखो ये होते हैं, एक ट्रायंगल ये रहा और एक ट्रायंगल ये रहा, मान लो ए बी सी डी ई, मैंने आपसे कहा ये लाइन इसके पैरेलल है, डी ई पैरेलल टू बी सी है, पक्की बात है, मैंने गिवन आपको मतलब मैंने बोला है कि डी ई पैरेलल टू बी सी है, तो ये एक बात हो, ये एंगल कॉमन हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, इस ट्रायंगल में और ये बड़े वाले ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो ये दो ट्रायंगल आपस में इक्विएंगुलर हो गए, तो डायरेक्ट लिख दो कि ये सिमिलर होंगे, क्यों भाई ए ए ए से, तो याद रखना कि अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है तो वो इक्विएंगुलर जरूर होंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है, ये इक्विएंगुलर होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अब देखिए यहां पे ट्रिपल एस का मीनिंग है दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियोज इक्वल होगा, ना कि वो आपस में इक्वल होगी। तो एक ट्रायंगल मैं लेता हूं यहां पर, मान लो ए बी सी और एक मैं ले लेता हूं यहां पी क्यू आर, तो अब हमको गिवन क्या दिया गया है, अब इस केस में हमको गिवन दिया गया इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, इस बार ये गिवन दिया गया है
हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, या तो ये दिखा दें, अगर आप होशियार बच्चे तो आप समझ जाइए कि हम ये दिखा दें कि एंगल ए बराबर एंगल पी के है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू के है, या एंगल सी बराबर एंगल आर के। एक ही तो बात है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो साइड का रेशियो और एंगल इक्वल, या फिर ये हम दिखा दें कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर इक्विएंगुलर, यस और नो? समझिए बात को, केवल रटेंगे नहीं कोई भी चीज़, इक्विएंगुलर दिखाने का मतलब यही तो हो गया ना इनडायरेक्टली। तो बस अब चलिए प्रूफ करते हैं। तो यार सेम प्रोसेस, वही प्रोसेस है, इसको याद रखना, ये हमको गिवन है। ये ट्रायंगल उठाया, झटाक से इसके ऊपर रख दिया, नाम दे दिया मैंने डी और ए, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये ट्रायंगल उठा के इसके ऊपर रख सकते हैं आप। और क्यों मैंने कहा कि ये, अब यहाँ पर एक डाउट आएगा कि सर आपको ये कैसे पता कि ये जो एंगल है ये जो एंगल इक्वल है, सही बात है ना? अब उसमें क्या था, पता था। तो ऐसे केस में ना, ऐसे केस में थोड़ी फॉर्मेलिटी कर दो कि कंस्ट्रक्ट कर दो ए बी इक्वल्स टू पी डी एंड ए सी इक्वल्स टू पी ई। कहने का मतलब क्या है कि हमने क्या किया, ए बी के डिस्टेंस को स्केल से मेज़र किया, उसको यहाँ पर ला के कट कर दिया, ए सी के डिस्टेंस को मेज़र किया, यहाँ ला के कट कर दिया और ज्वाइन कर दिया। ऐसे तो कर ही सकते हैं ना हम लोग, ऐसे तो कर सकते हैं आराम से, तो वही हमने कर दिया यहाँ पे। अब सुनो जरा ध्यान से, हमको ये दिया गया है, एक बात सुनो जरा, हमको दिया गया यार ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर दिया गया है। तो एक बात सुनो, क्या ए बी की जगह डी पी लिख सकता हूँ मैं, बताओ? क्योंकि मैंने खुद आपसे बोला ये डिस्टेंस को मेज़र करके यहाँ पे लिख दो, तो मैं ए बी की जगह डी पी लिख सकता हूँ, डी पी डी, पी डी लिख सकता हूँ, पी क्यू की जगह पी क्यू, अच्छा ए सी की जगह पी ई लिख सकता हूँ और पी आर की जगह पी आर। तो यार एक बात ना बताओ, पी डी अपॉन पी क्यू पी ई अपॉन पी आर, क्या है ये? थेल्स थ्योरम यही तो है। तो अगर ऐसा है, तो अगर ऐसा है तो क्या हम ये लिख सकते हैं डी ई पैरेलल टू क्यू आर, क्यों? कन्वर्स ऑफ बी पी टी, क्योंकि कन्वर्स ऑफ बी पी टी कहती थी, मतलब थेल्स थ्योरम, कि अगर साइड के रेशियो इक्वल हैं तो वो लाइन आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी, यस और नो? बताओ जरा मुझे बात, क्या ये आपस में ये लाइन इसके पैरेलल है? अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, चलिए यहाँ तक पहले होता है, यहाँ तक किसी बच्चे को भी कोई भी डाउट अभी तक लग रहा हो तो बताओ मुझे, पक्की बात है? चलिए अब एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूँ, इन दोनों ट्रायंगल को मैं साइज सिमिलर दिखा सकता हूँ। देखो कैसे, ट्रायंगल पी डी ई एंड ट्रायंगल पी क्यू आर को मैं बहुत आसानी से सिमिलर दिखा सकता हूँ। एंगल पी इक्वल्स टू एंगल पी कॉमन और एंगल डी इक्वल्स टू एंगल क्यू, यस और नो? क्यों, ये लाइन पैरेलल है, करस्पोंडेंस है, तीसरे की दिखाने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। वाई ए ए ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ट्रायंगल पी डी ई सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, क्लियर है? और हमने अभी पढ़ा है कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी डी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू डी ई अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू पी ई अपॉन पी आर। बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को भी कोई समस्या लग रही है तो आप बताए, और थोड़ा हम लोग देखते भी चलेंगे कि यार हमको लाना क्या है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए, यहाँ तक किसी भी बच्चे को। अच्छा अब हमको जुगाड़बाजी कर सकते हैं, क्या हम पी डी की जगह ए बी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो तो ये हमको करना पड़ेगा, मजबूरी यार हमारी, हम पी डी क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, और ये हमारे पास पी ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी भी लिख सकते हैं, ठीक है, डी ई अपॉन क्यू आर, और इसकी जगह हम ए सी अपॉन पी आर भी लिख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई भी डाउट होगा, क्लियर है? अब जुगाड़बाजी कुछ करते हैं, क्या कुछ निकल के आ रहा है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, अच्छा पी ई और ए सी। देखो यहाँ पे जरा कुछ हमको जुगाड़बाजी ऐसी करेंगे, किसी से कुछ कैंसिल होगा यहाँ पे। हमारा देखो अल्टीमेट टारगेट क्या होना चाहिए, इसका रेशियो इसके बराबर हमने दिखा दिया, इसका इसके बी सी बराबर क्यू आर हम कैसे भी दिखा दें, तो यार डी ई अपॉन क्यू आर ये रहा। अब ध्यान से सुनना, क्या हम लोग ए बी अपॉन पी क्यू की जगह बी सी अपॉन क्यू आर लिख सकते हैं?
ए बी अपॉन पी क्यू की जगह क्या हम लोग बी सी अपॉन क्यू आर लिख सकते हैं? बताओ ना, लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं इसके? बी सी अपॉन क्यू आर, और ये क्या हो गया? डी ई। तो क्यू आर से क्यू आर हट गया, तो क्या निकल के आ गया हमारे पास? बी सी बराबर डी ई। चमका? लो देखो, ये प्रूफ कर रहे हैं, मतलब आप वो काम कर रहे हैं जो मैथमेटिशियन ने प्रूफ करके दिखाया था कि ऐसे कैसे होता। हो सकता है आपको टफ लगे, नंबर के लिए बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर ये कर लिया आपने तो आप मतलब ट्रायंगल के काफ़ी डीप में जाना जा रहे हैं और पहुंच चुके हैं, तो काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब एक बात सुनो ध्यान से सारे बच्चे, ए बी बराबर पी डी है, ए सी बराबर पी ई है, और बी सी बराबर डी ई हमने प्रूफ कर दिया, तो क्या ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गए? पक्की बात है भाई, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा जगह यहाँ पे लेके रेंट पे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी डी ई। और हमको पता है अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो एंगल ए बराबर एंगल पी के हो गया, ध्यान से देखते चलेंगे, एंगल बी बराबर एंगल डी के हो गया, एंगल सी बराबर एंगल ई के हो गया। पक्की बात है? अच्छा, क्या D बराबर Q है? क्यों है? क्योंकि ये लाइन पैरेलल है। E बराबर R के है, तो यार यही तो प्रूफ करना था। A बराबर P के हो गया, B बराबर Q के हो गया, और C बराबर R के हो गया। हो गया ना इक्यू एंगुलर, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल था, हमको यही तो दिखाना था और ये हमने दिखा दिया। क्यों हमको ये दिखाना था? क्योंकि हमने पढ़ा है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसमें ये कंडीशन और ये कंडीशन होनी चाहिए, ये तो गिवन ले लेते हैं और ये प्रूफ कर दिए। तो कहने का मतलब क्या है, अगर किसी भी दो ट्रायंगल में उनके तीनों साइड का रेशियो इक्वल है तो वो आपस में सिमिलर होते हैं, हम इसका यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने दिखा दिया कि भैया ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्विएंगुलर हैं, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्विएंगुलर हो गए। ये प्रूफ कर रहे हैं हम लोग, मजा आएगा बहुत इसमें, मुझे नहीं लगता कोई डाउट है तो पूछो। पे लास्ट प्रॉपर्टी है कि अगर कोई दो ट्रायंगल आपस में साइड एंगल साइड है उसके थ्रू भी वो आपस में सिमिलर हो जाते हैं। नॉर्मल यार, जैसे अभी पढ़ा था वैसे एक ट्रायंगल लेंगे एबीसी और एक ट्रायंगल ले लीजिए आप डीईएफ या पीक्यूआर, कुछ भी ले लो। अच्छा, साइड एंगल साइड का मीनिंग समझ लो जरा क्या होता है। दो साइड के बीच में एंगल होना चाहिए। जो बच्चे साइड एंगल साइड को एस एस ए या ए एस ए लिखते हैं वो गलत है एकदम। तो अब सुनो इसमें गिवन क्या है, एक एंगल ऐसा दिया गया है जो दो साइड के बीच में, जैसे सपोज मैं आपसे कहूँ एंगल ए बराबर एंगल पी दे दिया गया गिवन, और ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। आप देखेंगे जरा ए बी और ए सी, ए बी और ए सी के बीच में देखो एंगल ए आ रहा है, पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू एंड पी आर के बीच में एंगल पी आ रहा है। क्लियर है? तो अब हमको प्रूफ करना है एंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, या फिर सारे एंगल इक्वल दिखा दें, एक ही बात है इक्वल एंगल दिखा दें। अब यार वही रटी हुई लाइन, वही कुछ नहीं करना, एक ही प्रूफ इंपॉर्टेंट था तो सब एक जैसे हैं कि ए बी बराबर पी डी एक ले लेते हैं और ए सी बराबर पी ई। मान लो यहाँ पर ये ले लिया हमने इस तरीके से, ये लाइन ड्रॉ कर दी, थोड़ा फील आना चाहिए देख के, तो ये डी हो गया और ये ई हो गया। ये मैंने खुद कंस्ट्रक्ट किया, मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर मैंने खुद कंस्ट्रक्ट किया है। अब देखो आप बहुत से बच्चों को तो आंसर दिख भी गया होगा, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी डी ई को फोकस करो जरा, एंगल ए बराबर एंगल पी मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, गिवन है। क्लियर है? ए बी बराबर पी डी ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, ए सी बराबर पी ई ये सब क्या है हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं। तो दो साइड और बीच में एक एंगल है, तो क्या ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी डी हो गया भाई? एस ए एस, अब आप कहेंगे एस ए एस तो हमें प्रूफ करना था, अरे यार ये एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी वाला है, यहाँ इसके एस ए एस में इसके एस ए एस में अंतर समझो, यहाँ जो ये दो साइड हैं ये इक्वल हैं, यहाँ ये दो साइड हैं उनकी साइड का रेशियो इक्वल है, ठीक है? तो ये ए बी बराबर इसके है ना कि इक्वल है ये। चलिए अच्छा, अगर ये सब ऐसा हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो एक बात बताओ, एंगल ए बराबर एंगल पी के था, क्या बी बराबर एंगल डी के हो गया? अगर ये एंगल बने तो ये भी एंगल बने। अच्छा, क्या एंगल सी बराबर एंगल ई के हो गया सी पी सी टी से? अच्छा जी, अब देखो यहाँ से हमको दिया गया ये, तो यार इसका भी कहीं ना कहीं यूज़ होगा, ए बी
अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर। क्या ए बी की जगह आप पी डी लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। ए सी की जगह पी लिख सकते हैं, डी आर बिल्कुल लिख सकते हैं। और देखो जरा पी डी अपॉन पी क्यू बराबर पी ई अपॉन पी आर बाई कन्वर्स ऑफ क्या बी पी टी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी ई पैरेलल टू क्यू आर। अगर डी ई पैरेलल टू क्यू आर है तो क्या ये भी एंगल वन नहीं होगा? क्या ये एंगल टू नहीं होगा? और हमको दिखाना क्या था, ये एंगल इसके इक्वल दिया गया था, ये इसके इक्वल दिखा दिया, ये इसके इक्वल दिखा दिया। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर आर इक्विएंगुलर, और जो इक्विएंगुलर होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, चार ही तरीके होते हैं किन्हीं भी दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए। नंबर वाली बात कहें तो केवल आपको इतना ही याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है। अच्छा एक चीज़ और, वहाँ पर होता था जैसे अगर मैं ये कहूँ कि एंगल ए बराबर एंगल पी है तो आप तुरंत बोलेंगे सर सी पी सी टी से, क्लियर है ना, बोलते थे हम लोग। यहाँ पर क्या बोलेंगे कि अगर दो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर हैं तो आप लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल पी। तो कैसे लिखेंगे, सी पी सी टी नहीं लिखते हैं हम लोग, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बस, या इसकी शॉर्ट फॉर्म करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कास्ट कर दो जो भी आपको करना चाहो, लेकिन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर, वहाँ पे सी पी सी टी लिखते थे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, यहाँ लिखते हैं कर। अगर कोई आपसे पूछे ना कि एंगल ए बराबर एंगल पी कैसे हो गया सर, तो आप लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल, क्लियर है। तो ये चारों प्रूफ हम लोगों ने कर ली। अब 6.3 के एग्जांपल्स देखेंगे, और कुछ नहीं है एनसीईआरटी में, एक बार जल्दी से देख लूँ, इसके प्रूफ आपको बता ही दिए, फिर सीधे एग्जांपल्स हैं और कोई भी दिक्कत नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट होगा।